शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आर्थिक परिस्थिति को लेकर भांडे प्लॉट के सेवादल नगर शंकर साई मठ के पास सोनू शेख ने अपने 9 माह के बच्ची को पानी के ड्रम में डालकर खुद का गला रेत लिया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज दिन नागपुर में हत्या और आत्महत्या की घटना में काफी इजाफा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे भांडे प्लॉट के सेवादल नगर में, जहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जहाँ एक पिता ने अपने 9 माह के बच्ची को ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरी घटना भांडे प्लॉट सेवादल नगर के शंकर साही मठ के पास हुई है, जहाँ पे मिली जानकारी के अनुसार सोनू इसराई शेख उम्र 32 और उनकी पत्नी तबस्सुम शेख उम्र 29 इनके बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिससे तैश में आकर सोनू इसराई शेख इसने अपनी 9 माह की बच्ची अलविना सोनू शेख को पानी के ड्रम में डालकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी पछतावा होने पर कांच की बियर बोतल से अपने गले को रेतने की कोशिश की। कुछ समय बाद रोजाना की तरफ एक सेल्समैन गर्ल वहां आकर रोज अपना भोजन करती थी और इसी ड्रम में हाथ धोया करती थी। रोज की तरह आज भी उसने भोजन किया और हाथ धोने जैसी ड्रम के पास पहुंची तो देखकर वो हैरान हो गई। उसे एक 9 माह के बच्ची की लाश दिखाई दी। लाश देखती वो जोर से वहां चिल्ला उठी, जिसके चलते परिसर के लोग दौड़कर वहां आए। लोगों ने ड्रम में से बच्ची को निकाला और बियर की बोतल से जिसने अपने गले को रेत कर आत्महत्या की कोशिश की, ऐसे सोनू शेख और मृतक 9 माह के बच्ची को परिसर के लोगों ने ऑटो में बिठाकर इलाज के लिए मेडिकल में ले गए। इस घटना के बारे में सकरदरा के PI सत्यवान माने इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। आज हमें करीबन 4 बजे नियंत्रण कक्ष पता चला है कि एक भांडे प्लॉट चौक शीतला मंदिर के बाजू में शंकरशाही मठ है, वहाँ पे एक ड्रम में एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ का एरिया का रहने वाला सोनू शेख वो नाम है, उसने अपने खुद के बच्ची की ड्रम में पानी के ड्रम में डुबो के हत्या किया है और खुद ने भी आत्महत्या करने की कोशिश किया है। तो वही कि उसका पिताजी और उसके घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया है, उसके ऊपर उपचार चालू है, वो अनकॉन्शियस है और बच्ची की डेथ हुई है। अभी घटना क्यों हुई इसके लिए कि जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में तफ्तीश चालू है। जैसे ही होती है उस हिसाब से हमें इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर लेंगे। कौटुंबिक जहाँ तक अभी तक सामने आया है, कौटुंबिक कलह के वजह से उन्होंने किया है। अभी क्या कौटुंबिक कलह है ये अभी तक जानकारी नहीं मिली, उसका हम लोग आगे की चालू है। जख्मी वो चालक करके काम कर रहा था, ड्राइवर है वो जख्मी। अभी तो गुना दाखिल करने की प्रक्रिया है, हॉस्पिटल से अभी स्टाफ आया है, उस हिसाब से आगे जैसे होगा कार्रवाई कर लेंगे। लॉकडाउन के चलते आर्थिक परिस्थिति को लेकर या फिर और क्या कारण है, इसकी जांच अभी भी पुलिस कर रही है। नागपुर के सकरदरा पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।